हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको पॉलीनोमियल्स चैप्टर क्लास टेंथ के जो एक्सरसाइज है 2.1 एंड 2.2 के बारे में बताएंगे। हमने कल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कि जो 2.1 है वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। वैसे इसमें एक ही सम है, मतलब एक पार्ट है जिसके 6 सम है। टेबल दिया हुआ है आपको इसमें, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉपी पर नहीं। जो आप पहला सम देख सकते हैं कि उस पर इन्होंने पहले ही हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी ब्रैकेट एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 की। जो ग्राफ दिए हुए हैं हमें फिगर 2.10 में, जो नंबर वाई है एक्स के इक्वल, मतलब वाई एक्सिस है जो एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, मतलब ऐसा इन्होंने कहा है कि बिलो के नीचे दिए हुए फॉर सम पॉलीनोमियल्स फॉर कि कुछ पॉलीनोमियल्स हैं पी एक्स के, कुछ पॉलीनोमियल्स हैं पी एक्स के, हमने फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमने जीरोस पता करनी है कि केस में कितनी जीरोस होंगी, ठीक है। हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल देख लेना है। इन्होंने कहा है कि जीरोस पता करनी है एक्स एक्सिस में, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके जो जीरोस हैं वो हमने पता करनी है। पहला समय जो जो लाइन दी हुई है ना हमें वाई को इंटरसेप्ट कर लेगी सिर्फ। स्टूडेंट्स देखिए कि पहला समय ना जो इसमें जो लाइन है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि एक्स एक्सिस को। तो हम इसका जो आंसर कहेंगे ना, मतलब कि इसकी जो जीरोस हैं वो जीरो ही होंगी, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर तो कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो पर वाई एक्सिस पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको ऐसे ही जीरो लिखेंगे। तो सेकेंड सम है इसमें जीरो का एक जीरो है, क्योंकि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट तो कर रही है एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी, पर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम एक लिखेंगे। तो हमारा तीसरा समय जो उसमें एक्स एक्सिस है जो तीन बार इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो हम इसका आंसर तीन लिखेंगे। क्योंकि देखिए ना, एक बार तो इन्होंने मतलब माइनस की ओर टच किया है, दूसरी प्लस की ओर, इसलिए हम तीन इसका आंसर लिखेंगे कि तीन चीज़ों से हैं जो एक्स एक्सिस की है। तो जो चौथा समय इसमें, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, मुझे बताना इसका क्या आंसर आएगा। पाँचवा इसका जो आंसर है चार इसकी जीरोस होंगी, जी हाँ, इसकी जो जीरोस है ना चार होंगी, क्योंकि ये आपको पता ही है क्योंकि एक्स एक्सिस को जो लाइन है ये चार बार टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और वाई एक्सिस को केवल एक बार। वाई एक्सिस को कितने बार टच करे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो लाइन टच करनी चाहिए उससे हमें जीरोस का पता चलेगा, ठीक है, इसलिए इसकी चार जीरोस हैं। अब अगला समय सिस्ट, उसमें जो जीरोस हैं तीन होंगी, जी हाँ, तीन जीरोस होंगी इसकी, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये तीन बार टच कर रही है, वाई एक्सिस को एक बार, इसलिए तीन जीरो, ठीक है। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज के पहले सम की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला पार्ट में हमें बताया गया है कि हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमने वेरीफाई करना है इनका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं जो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहला सम है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ओके। अब पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। एट के फैक्टर्स क्या होंगे,
इसके फैक्टर्स होंगे 4 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 एंड x माइनस 4। ओके, जब हम इसमें कॉमन निकालेंगे ना, ये जो चीज़ें हैं ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये सेम ना हो, इसके सेम होती भी नहीं है, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए तो हमारा सम मतलब पक्का हो जाता है कि सही है। अब हमने इसको ऐसे निकाल लिया। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको कि ये जो है अल्फा है और ये बीटा। ओके, अब एक्स की वैल्यू माइनस 2 है, एक्स 4, इसके जीरो से जो निकल चुके हैं माइनस 2 एंड 4। अब अल्फा एंड बीटा जो हमने इसके वेरीफाई के लिए होता है, ठीक है, हम अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, इसका सम निकालेंगे। अब हम सम ऑफ जीरोस, ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट वो है वेरिएबल के साथ, मतलब ये जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट है 2, और ये अब माइनस में है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम पूछा ना इन्होंने जीरोस का, और ये जो इनके जीरोस है अल्फा माइनस 2 है, बीटा 4 है। ओके, इसलिए इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस 2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो क्या है 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है, 2 ही होगा। और जो अल्फा है वो माइनस 2 है हमारे पास, और सम है वो 4। ओके, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, ये आके यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर, मतलब हमारा अब तक जो सम है वो पूरा सही है, हमारा अब तक जो सम रहा है बिल्कुल सही रहा है, ठीक है। हम अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो भी सेम ही है, बस थोड़ा फर्क है, बस हमने इसमें माइनस मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर है वो सी अपॉन ए होगा, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, और ए आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट हमने जो करना है, और सी क्या है उसमें 8, किसका, वो भी माइनस माइनस का 8 है। ओके, माइनस का 8 है, और ए क्या है 1, और बीटा क्या था हमारे पास 4, और अल्फा माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 8 इंटू 8 माइनस 8। अब ये इक्वल है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारी जो जीरोस हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही जीरोस हैं वो। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको सब समझ आ गई होगा, मैं आपको एक सम और समझाता हूँ, फिर आपने जो सम इस पार्ट के अपने आप कर देखने हैं। अगर ना हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको स्पेशल समझा दूँगा, ठीक है। एक सम और समझाता हूँ मैं इसका, जो बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट करता है, मतलब तकलीफ देता है। अब देखिए कि यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये,
पर इसमें क्या है? देख सोची, सोची क्या है इसमें, क्या मिसिंग है इसमें? इसमें जो मिसिंग है कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, मतलब इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई मतलब कोई भी मैथमेटिक का नंबर नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, करने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। अब हमें इसे ऐसे ही जो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, इसे ऐसे ही कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या है? फोर कॉमन है ना, फोर को हम जो यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम इसमें फोर कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि फोर कॉमन है इसमें, यू भी कॉमन है, यू भी निकाल लेंगे, और यू स्क्वायर यू ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर टू यू आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये है। अब इसमें से अल्फा और बीटा कौन सा है? अगर कोई भी सम ऐसा सम आता है तो हम अल्फा इसे लेंगे और बीटा इसे लेंगे, ठीक है। अब जो अल्फा ये मल्टीप्लाई में आप सोच रहे होंगे फोर यू, अब इसमें से हम यू की वैल्यू कैसे निकालें? यू फोर को उधर डिवाइड में तो वो जीरो हो गया, मतलब अल्फा जो है वो जीरो आ गया, मानी एक जीरो है जो जीरो ही है, वो अनदर जो यू प्लस सॉरी यहाँ पर यू नहीं है ट्यू, ये हमारा बीटा है अनदर। अब ये जो है माइनस टू हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि प्लस में था और माइनस में हो गया। अब हमारे पास दो जीरो आ गए हैं, एक है जीरो एक है माइनस टू। इसके बाद आपने सिर्फ सिंपल है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं जो निकाल लेनी है। अगर ना सॉल्व हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए हम इसका अगला पार्ट है जो स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है ना इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका हमें एक सम आता ही आता है इस पार्ट का एग्जाम बोर्ड में। अब पहले हमको इसकी मतलब स्टेटमेंट भरनी है अच्छी तरह से, इसकी दो स्टेटमेंट्स आ सकती हैं पेपर में। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब हमने इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स माइनस पी। जो फॉर्मूला है ना वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जो एस है वो सम है और पी है वो प्रोडक्ट है। अब इस पार्ट में हमें सम और प्रोडक्ट है जो दोनों गिवन है, ठीक है, हमें उलझना नहीं है, हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है फिर उसका आंसर देना है। इन्होंने कहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, हमें इस जीरोस हैं जो सम दिए हुए हैं, जीरोस का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट का सम प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें, ठीक है। पहला सम है जो उसकी जो सम है जो वन अपॉन फोर है, जीरोस माइनस वन, ओके। एक्स स्क्वायर सम क्या है? वन अपॉन फोर एक्स, और प्लस पी क्या है? माइनस वन टेन। वी कैन सॉल्व, हम इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लिया फोर एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी माइनस फोर अपॉन फोर, यहाँ पर जीरो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ये है जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है जो बन गई है। स्टूडेंट्स हमारा आंसर है जो आ गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। इसके इस पार्ट के सारे जो सम है ऐसे ही हैं, कोई भी सम है जो बेकार का सम नहीं है, ऐसे ही सम है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने। आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी,
एस होगा तो सम और पी प्रोडक्ट। ओके, कई बार हमें ये केवल नहीं होता है तो हम सिंपल है, हम चीजों से निकाल लेंगे और उन उसका सम और प्रोडक्ट है हम तो निकाल लेंगे। और सम कैसे निकालना है, मान लीजिए जीरो है, जीरो से केवल है हमें 2 + 4, ठीक है, ये सम हो गया, सम 6 हो गया, प्रोडक्ट 8 हो गया। ओके, ऐसे हम तो इसका सम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर इस ऐसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इसकी एक एक्सरसाइज है वो रह गई है 2.3, हम अगली वीडियो में ये अपलोड कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट हमारा जो हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम और भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं 10th क्लास मैथ की लेकर आने वाली हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। Thank you.